आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए आलू का भोंडा। उसके लिए हमें चाहिए तेल, तलने के लिए 2 मीडियम साइज के आलू बॉईल किए हुए और उनको मैंने ग्रेट कर लिया, और ये सिंघाड़े का आटा है कोटिंग के लिए 3 टेबलस्पून लिया है, जीरा 1/2 टीस्पून, अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून, सेंधा नमक 1/2 टीस्पून, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और कुछ धनिया पत्ती। सबसे पहले हम बोंडा बनाने से पहले आलू को थोड़ा तड़का लगा लेते हैं ताकि आलू भी पक जाएं। गैस चलाएंगे, गैस मीडियम पे रखेंगे, तेल डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। तेल गरम होने देंगे, तेल हमारा गरम हो गया, गैस सिम पे करेंगे, इसमें हम जीरा डालेंगे, करछी से हिलाएंगे, आधे मिनट बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे, स्टर कर लेंगे, गैस सिम पे ही रखनी है। अब हरी मिर्च डालेंगे 1 मिनट बाद, और साथ में आलू डाल देंगे, नमक डालेंगे, धनिया, स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। आलू में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हमने तकरीबन इनको 1 मिनट तक पकाया है। अब हम गैस करेंगे बंद और आलू को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसके बोंडे बनाएंगे। जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम सिंघाड़े के आटे का कोटिंग के लिए बैटर बना लेते हैं। इसमें हम नमक डालेंगे, सेंधा नमक, और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। हमारा बैटर तैयार हो गया है, इतना थिक होना चाहिए बैटर, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इनके बोंडे बना लेते हैं। ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आपको जो जितने साइज का चाहिए आप बना सकते हैं। इसी तरह सब आलू के बोंडे बना के रख लेने हैं। इस तरह हमने बोंडा बना के तैयार कर लिया है। अब हम तेल गरम करते हैं और इनको फ्राई करेंगे। गैस चलाएंगे, तेल डालेंगे गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो गया, अब गैस को करेंगे मीडियम पे और बोंडे को बैटर से अच्छे से कोट करके फ्राई करेंगे। ऐसे इसको सब तरफ से लपेट के फ्राई करना, गैस मीडियम पे रखनी है। तरह सब तरफ से उसे फ्राई कर लीजिए, कोई साइड कच्ची ना रह जाए, कच्ची से पलटी करते रहिए। बोंडे हमारे तैयार हो गया, अब इसको हम तेल निकाल के टिश्यू पेपर पे रखेंगे, बाकी के भी इसी तरह हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह हमारे सारे बोंडे फ्राई हो चुके हैं, अब गैस करेंगे बंद। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, आलू के बोंडे। इसे आप दही के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.